आज की इस हमारी जनरल हाउस मीटिंग जो एमसी की थी, इसमें बड़ा गंभीर रूप से एक विषय आया था जिसमें इशू ये था कि जो लोगों के घरों के आगे तारों का जाल है, और ये तारों का जो जाल है ये केबल टीवी और जो इंटरनेट कंपनीज हैं उन्होंने फैलाया हुआ था। और ये कई बार मुद्दा उठा, तकरीबन 6 महीने से लगातार 6 महीनों में ये जो मुद्दा उठता आया था। जब हम नए नए पार्षद, मैं खुद बना था, मैं अपनी बात बताऊँ तो 15 सेक्टर में मार्च के महीने में वहाँ पर फरवरी मार्च में वहाँ पर इनको किसी कंपनी को खड्डे खोदने के लिए पिट्स करने के लिए दिया गया कि वो अपने पिट्स कर सकते हैं और उसमें अपनी वायर्स को अंडरग्राउंड ले ही कर सकते हैं। आप हैरान होंगे, जब मैंने उनसे लेइंग वाली जो कॉन्ट्रैक्टर था, वेंडर था और जो कंपनी का अहदेदार थे, जब मैंने उनसे पूछा कि आपके परमिशन कितने गड्ढों की है, तो उसको पता ही नहीं था मौके पे। तो आप कहना चाहते हैं कि परमिशन कम गड्ढों की होती है और ज़्यादा कर देते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हैंकी पैंकी तो था, और ओवरहेड की बात हो रही, मैं अभी उसी बात पे मैं आ रहा हूँ कि उस समय जब मेरे वहाँ पर जब उन्होंने पानी का पंक्चर कर दी पाइपलाइन को 15 बी में, अभी भी मुझे याद है, तो मुझको खुद पब्लिक हेल्थ के ऑफिसर्स को बताना पड़ा कि मौके पे आएं और इन पे क्लेम लगाएं कि ये इस तरीके से डैमेज कर रहे हैं हमारी प्रॉपर्टीज़ को। और मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ हमारा वार्ड है जहां मैक्सिमम पेनल्टी इन कंपनीज के ऊपर लगी जो अंडरग्राउंड लेइंग करते थे, हैफ एजेडली वेंडर्स करते थे। आज का मुद्दा ये था कि कुछ पार्षदों का ये कहना था कि ये जो जाल हटा दिए गए इसको हम स्वागत करते हैं, लेकिन दिक्कत क्या पड़ गई कि एंड यूजर पार्षद थे जो दोज़ वर फेवरिंग कि अच्छा क्या कि ओवरहेड जो वायर है उसको काटा। देखिए, मैं इस विषय में, क्योंकि मैं थोड़ा हाउस में लेट पहुंचा था, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा था कि ऑलमोस्ट शायद आम आदमी पार्टी और शायद कुछ और भी थे काउंसलर्स जो ये बात कह रहे थे, लेकिन बात कुछ और थी। ये जो हमारा चर्चा का विषय, आम आदमी पार्टी पर जो जितना था वो देवर अपोजिंग, वो कहते हो क्यों काट रहे हो, उनको टाइम दो, ज़्यादा टाइम दो। हाँ, मैं उसी की बात कह रहा हूँ। आपने बोला उनकी फेवर वो कर रहे थे कंपनीज की कि आप इनके कांटे मत आ रहे, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या पड़ी है, जैसे मैं 15 सेक्टर की बात बोलूँ तो वहाँ सब की हमने ओवरहेड वॉयस ऑलमोस्ट 60% या 40% मेरे ख्याल से उतर चुकी हैं। अब जब वो उतरनी शुरू हुई तो लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए कि हमारा इंटरनेट बंद हो गया, हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, बच्चों की ऑनलाइन जो है वो ख़राब हो गई है जो पढ़ाई है। लेकिन हमने एक बात कही थी कि एक तरफ रेजिडेंट्स की जो अल्टीमेट प्रॉब्लम जो है, जिन घरों के आगे से वो जाल निकलता है, आप देखिए आज चंडीगढ़ में कोई पेड़ नहीं बचा है, कोई पोल नहीं बचा है, कोई दीवार नहीं बची है जहां पे आपको तार ना नज़र आए जाते हुए। अब वो तार जो लेके जा रही है कंपनीज, वो रेंट तो देती नहीं, ना तो वो एंड यूज़र को रेंट देती है जिनके वो वहां आगे से निकल रहे हैं, और ना ही वो कॉरपोरेशन को देती थी, और इससे कॉरपोरेशन को घाटा होता था। तो जब कॉरपोरेशन ने सख्ताई की तो आप हैरान होंगे कि कंपनीज 5.5 करोड़ रुपए तक जमा करा दिया है। फॉलोइंग चंडीगढ़ ट्रिब्यून्स कैंपेन अगेंस्ट ओवरहैंग ओवरहेड वायर केबल्स इन चंडीगढ़, अ हाई ड्रामा प्रिवेल्ड इन द चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टुडे। काउंसलर्स ऑफ द आम आदमी पार्टी डिमांडेड दैट दिस प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग दिस ओवरहेड केबल्स शुड बी स्टॉप्ड। They sought time for the companies to implement the orders. However, the MC commissioner told them the 3-month time has already been given to them and they did not bother even to move an application to take permission to lay underground wires and cables. Despite that, councillor kept raising the issue and heated arguments were witnessed between the councillors of the BJP and the Aam Aadmi Party. Municipal Corporation Commissioner said revenue of crores of rupees is going to come through this drive after they take permission, the companies take permission for laying underground cables. They have to pay crores of rupees, that is around 4 to 5 crore rupees roughly on an average per year the revenue MC is going to earn from this. Meanwhile, the MC meeting ended without no decision on this topic. Thank you. This is Sandeep Rana from Tribune.